गाइस आज की वीडियो में बिग साइज एसयूवी कार्स के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं गाइस आज कौन जीतता है। है एफजे क्रूजर विद सिमुलेशन मॉडल, आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ हमार H2 एसयूवी के साथ। इसका साइज देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है। और एक कार है ये है ओडी Q5, ये है WL टॉयज जीप। चलो गाइस फटाफट से कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, पहले इनको अनबॉक्स करते हैं। ये देखो इसके अंदर है रेड कलर वाली कार, के पैडल्स वगैरह भी इसके साथ दिए गए हैं। चलो फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। बॉक्स का साइज आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि यार इसके साथ बहुत सारी चीजें मिलती है कार के अंदर अटैच करके चलाने के लिए, क्योंकि ये एक एक्सक्लूसिव मॉडल है, आप मार्केट में जाओगे तो भी नहीं मिलेगी गाइस। अगर ये ऑनलाइन में मिलेगी तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये है इसकी स्टीयरिंग, स्टीयरिंग के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे हॉर्न का बटन है, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है। म्यूजिक भी इसके अंदर आप चाहे तो चला सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रीडिंग मोड भी दिया, तीन मोड्स इसके अंदर मिलते हैं, ड्राइव मोड, पार्किंग मोड और रिवर्स मोड। यहाँ पे इंडिकेटर्स के लाइट वगैरह दिए गए पीछे की तरफ, के अंदर पिंस वगैरह लगाने के लिए इस तरह का एक सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। पैडल्स के बीच में और स्टीयरिंग के बीच में एक कनेक्टिंग रॉड आता है, उसको यहाँ पे हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। ये इसका ब्रेक है, ये इसका एक्सकलेटर दिया गया है, यहाँ पे एक स्पीकर है पीछे की तरफ, यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, बहुत सारी बैटरीज यहाँ पर हम लोगों को डालनी पड़ती है इसको ऑन करने के लिए। तो ये है इसका कनेक्टिंग रॉड, इसको थोड़ी देर में मैं आपको कनेक्ट करके भी बता देता हूँ। उससे पहले यार ये कार दिखा देता हूँ, कार का साइज को काफी ज्यादा बड़ा है। मिरर्स वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिलती है, अंदर का इंटीरियर भी काफी ज्यादा लग्जरियस है। कार दिखने में काफी ज्यादा रगड़ नजर आ रही है, क्योंकि ये ऑफ रोड में चलाने के लिए ही बनाई गई है। और इसके डोर्स वगैरह भी आप देख सकते हो कितने ज्यादा मजबूत है। आगे व्हील्स, पीछे के व्हील्स सेम साइज के दिए गए, पीछे भी एंटी कोलिजन बम्पर बहुत ज्यादा बड़े साइज का दिया गया है। नीचे की तरफ से भी इसकी जो बॉडी है काफी ज्यादा टफ है। स्टीयरिंग को मैंने जोड़ दिया है, अब देखो यार ये स्टीयरिंग प्रॉपर तरीके से कार की स्टीयरिंग जैसी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे पैडल्स वगैरह भी लगा दिए हैं, बिल्कुल एक रियल कार चलाने जैसी ही फीलिंग अपने को आने वाली है। ठीक है गाइस अभी अनबॉक्स करते हैं हमर H2 को, बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखो बॉक्स के अंदर से मैंने निकाल लिया है कार को, के कलर के कारण ये एक बीस्ट नजर आती है यार, एकदम भाई खतरनाक कार है ये। और ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, 27 MHz का रिमोट मिलता है। यहाँ पे इसकी छोटी सी स्टीयरिंग दी गई है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, ट्रिगर की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। नीचे की तरफ 9 वोल्ट की बैटरी डालनी पड़ती है। अभी बात करते हैं ये कार के बिल्ड क्वालिटी के बारे में। आपको पता होगा हमर मिलिट्री के अंदर भी यूज की जाती है, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफी ज्यादा रगड़ है। यहाँ पे डोर हैंडल्स वगैरह आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए, अंदर का इंटीरियर भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पे ग्लास यूज किया गया है, ऊपर की तरफ सनरूफ भी इसके अंदर मिलती है। हमने इसका बोनट भी काफी ज्यादा रगड़ है, एंटी कोल्यूशन बम्पर भी है, अंदर की तरफ हमर की बैचिंग दी गई है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्रोम यूज किया गया है, एंटी स्किड प्लेट भी यहाँ पे दी गई है, ये इसके हेडलाइट है, यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स भी लगाए गए। व्हील्स इसके थोड़े से मेरे को अलग लगते हैं गाइस, क्योंकि व्हील्स देखो यार मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो ये प्रेस भी नहीं हो रहा है। लग रहा है इसके व्हील्स प्लास्टिक और रबर यूज करके बनाया गया है। अंदर की तरफ इस तरह का रिम देखने को मिलता है, पीछे से भी लुक बहुत ज्यादा कमाल का इस कार का। हमारे H2 की बैचिंग यहाँ पे दी गई, नीचे की तरफ यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, बड़ी वाली बैटरी इसके अंदर भी लग जाएगी। यहाँ पे इसकी मोटर दी गई है, इस वजह से इतना बड़ा हंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये गाइस इसकी मॉडिफाइड बैटरी एक्स्ट्रा पावर के लिए, 7.4 वोल्ट लायन बैटरी आज मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ। अभी अनबॉक्स करते हैं ओडी Q5 को। ये ओडी Q5 दो कलर्स में मिलती है, एक सिल्वर कलर, एक ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में ही इसका लुक काफी ज्यादा बढ़िया नजर आता है। फटाफट से बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओडी Q5 को भी इसके अंदर से निकाल लेते हैं गाइस। फिर हम चलेंगे बाहर इन सभी के बीच में फाइट कराने के लिए। एक प्रॉपर एसयूवी आरसी कार है, ओडी का लोगो भी आपको देखने को मिल जाएगा, ओडी Q5 बोल के यहाँ पे दिया गया है। नॉर्मल जिस तरह की ओडी में लाइट्स होती है ना गाइस, उसी तरह की हेडलाइट यहाँ पे दी गई है। तो अभी अनबॉक्स करते हैं WL टॉयज जीप रूबीकॉन को। ये कार 4-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। चलो गाइस फटाफट से इसको यहाँ से अनबॉक्स कर देता हूँ मैं। आमतौर पर WL टॉयज की जो कार इतनी बड़ी साइज की होती नहीं यार। ये इसका रिमोट काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टेक्टाइल है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, नीचे की तरफ 3 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। ये 2.4 GHz का रिमोट मिला है इसके साथ। अभी निकालते हैं हमारी जीप रूबीकॉन को। सच में यार इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, पर ये कार बहुत ज्यादा हल्की फुल्की है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल जो है बहुत ही चीप यूज किया गया है। सामने यहाँ पे हेडलाइट है, इस तरह की बहुत ही खतरनाक वाली ग्रिल इसके अंदर देखने को मिलती है। ये है इसका एंटी कोल्यूशन बम्पर, ये बम्पर काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल है, टूट भी जाती है तो आप इसे रिप्लेस भी करवा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी LED लाइट्स भी इसके अंदर दी गई है, तो इसके अंदर भी सेम बैटरी हम लोग यूज करने वाले। सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हो गाइस सबसे ज्यादा बड़ी WL टॉयज जीप रूबीकॉन ही मेरे को लग रही है। चलो दोस्तों अभी कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे कौन सी कार जीतती है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियल स्टीयरिंग कार को टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे ऑन कर दिया मैंने इसको,
आवाज सुनो यार, कितनी ज्यादा लाउड दी गई है यहाँ पे। इसका हॉर्न है बिल्कुल एक रियल कार जैसे ही हॉर्न इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे बटन है पर ये मेरे को कुछ भी काम के लगते नहीं है गाइस। चलो फटाफट से इसको डालते हैं गियर में, अभी चलाते हैं इसको रोड पर, देखते हैं किस तरह से चल पाती है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि गाइस मैं कोई रियल 3D गेम खेल रहा हूँ, इतना ज्यादा मजा आता है यार ये कार को चलाने में। देखो जैसे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो इस तरह से ड्रिफ्ट वगैरह भी करने लगती है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैं स्टीयरिंग को टर्न कर रहा हूँ तो कार भी टर्न हो रही है भाई, अलग लेवल का मजा आता है ये कार को चलाने में। जैसे मैं पैडल को प्रेस कर रहा हूँ तो कार आगे जा रही है, अभी मैं इसको रिवर्स में डालकर पैडल को प्रेस कर रहा हूँ तो कार रिवर्स भी आने लग रही है। अभी चलाते हैं WLTOS जीप रूबिकॉन RC कार को। ये कार इतनी ज्यादा बड़ी है फिर भी देखो यार इसका रिमोट बहुत अच्छी क्वालिटी का होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से कार कंट्रोल हो जाती है और टर्न भी हो जाती है, पर इसके ब्रेक्स एकदम घटिया दे रखे हैं यार। अब चलाते हैं हमर H2 ब्लैक कलर एडिशन RC कार को। ये कार थोड़ी बहुत एक डिब्बे जैसी दिखाई देती है पर इसके ब्रेक्स देखो यार कितने ज्यादा तगड़े दे रखे हैं और इसको चलाने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है यार। अब चलाते हैं ऑडी Q5 RC कार को। इसकी कंट्रोलिंग मेरे को सभी RC कार से बेटर लगती है यार। ब्रेक लगाते ही कार 90 डिग्री तक टर्न ले लेती है और इसके अंदर भी रिमोट बिल्कुल हमर H2 जैसा ही दिया गया है। अब रेस कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में, देखते हैं जिन दोनों में से कौन सी कार जीत पाती है। रियल स्टीयरिंग का थोड़ा सा पीछे हो गई है जीप रूबिकॉन के मुकाबले में, पर इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप देखो यार इसके बराबर में आ चुकी है और भाई इसने तो टेक ओवर भी कर दिया है इसको। क्लियरली रियल स्टीयरिंग कार जीत चुकी है रेस को। अब कराते हैं रेस इन दोनों के बीच में, देखते हैं रियल स्टीयरिंग कार ऑडी Q5 को भी रेस में हरा पाती है। यानी दोनों की स्पीड ऑलमोस्ट मेरे को उतनी ही लग रही है क्योंकि दोनों बिल्कुल आजू बाजू में ही चल रहे हैं। यहाँ पे रियल स्टीयरिंग कार आगे जाने की कोशिश कर रही थी पर ऑडी Q5 इससे भी ज्यादा तेज निकली यार। देखो ऑडी Q5 टेक ओवर करके आगे निकल गई थी पर रियल स्टीयरिंग कार भी कुछ कर मैंने इसने वापस से टेक ओवर कर दिया है ऑडी Q5 को और ये आगे निकल गई है। क्लियरली रेस को रियल स्टीयरिंग कार ने जीत लिया है। अब देखते हैं रियल स्टीयरिंग कार हमर H2 को भी रेस में हरा पाती है। यानी अभी तक तो रियल स्टीयरिंग कार आगे जा रही थी पर हमर H2 ने इसको बहुत आसानी से ओवरटेक कर दिया और यह बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। क्लियरली यहाँ पर हमर H2 जीत चुकी है रेस को। अब कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में पुशबैक, देखते हैं रियल स्टीयरिंग कार अपनी हार का बदला ले पाती है। यानी टक्कर तो बहुत जोरदार मारी यार इसने, देखो हमर H2 पीछे हट गई थी टक्कर मारने के बाद। अब यहाँ पे दोनों के बीच में काफी ज्यादा टफ फाइट चल रही है। क्लियरली आप देख सकते हो रियल स्टीयरिंग कार हमर H2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमर H2 को इसने बहुत आसानी से पुशबैक में हरा के भी रख दिया है। अब ये दोनों कार्स के बीच में कराते हैं पुशबैक, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। दोनों के अंदर ही इंपैक्ट बहुत जोरदार पड़ा है। देखो जैसे ही टक्कर हुई है दोनों एकदम से पीछे हट चुकी थी। यहाँ पर ऑडी Q5 काफी ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है रियल स्टीयरिंग कार को, ये बहुत आसानी से पीछे टकले जा रही है और रियल स्टीयरिंग कार यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है ब्रेक्स भी लगाने के पर ये कार यहाँ पर हार चुकी है। अब कराते हैं टॉक ऑफ ऑडी Q5 वर्सेस जीप रूबिकॉन के बीच में, इन दोनों में से कौन जीतता है। क्लियरली आप देख सकते हो जीप रूबिकॉन को एक सेकंड भी नहीं लगा यार ऑडी Q5 को टॉक ऑफ में हराने के लिए क्योंकि इसके व्हील्स बड़े हैं, इसको काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रिप मिल चुकी है। क्लियरली यहाँ पर जीप रूबिकॉन जीत चुकी है टॉक ऑफ में। ये सभी कार्स की अभी ऑफ रोड में टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है। सबसे पहले रियल स्टीयरिंग कार को चला के देखते हैं गाइस ये कितनी दूर तक चल पाती है। इसके सस्पेंशन ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, पीछे के व्हील के अंदर काफी ज्यादा पावर है, इस वजह से ये कार बहुत अच्छे तरीके से ऑफ रोड में चल रही है। पर यहाँ जैसे इसके नीचे छोटे से पत्थर आ रहे हैं ये कार का व्हील यहाँ पे स्लिप करने लगा है। अभी चलाते हैं ऑडी Q5 को, देखते हैं गाइस ये कार रियल स्टीयरिंग कार से ज्यादा दूर तक चल पाती है। यानी यार ये तो यही रुक गई है। अब चलाते हैं हमर H2 को ऑफ रोड में, देखते हैं गाइस ये कार कितनी दूर तक चल पाती है। मेरे हिसाब से ये कार ऑफ रोड में चलनी चाहिए यार क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस थोड़ी सी ज्यादा है दूसरे कार्स के मुकाबले में। देख सकते हो गाइस बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है पर पीछे का व्हील थोड़ा सा स्लिप करने लगा है। ये कार भी यहाँ पर आकर फंस चुकी है। अब टेस्ट करते हैं WLTOS जीप रूबिकॉन को, देखते हैं ये कार कितनी दूर तक चल पाएगी। इसके सामने रियल स्टीयरिंग कार भी आ चुकी थी पर जीप रूबिकॉन ने देखो यार इसको धक्का मार के साइड में कर दिया है और यहाँ से ये निकल पड़ी है। क्लियरली ये जीत चुकी है यहाँ पर। ये रियल स्टीयरिंग की रेंज मैंने आज से पहले कभी भी टेस्ट नहीं की है गाइस। अब देखते हैं ये रियल स्टीयरिंग की रेंज एक्चुअल में कितनी होती है। तीनों ही कार्स को मैंने रोड पे दौड़ा दिया है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो जीप रूबिकॉन अभी भी काम कर रही है क्योंकि इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट मिलता है। क्लियरली यहाँ पर जीप रूबिकॉन का रिमोट बहुत ज्यादा पावरफुल है रियल स्टीयरिंग के मुकाबले में। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये चारों कार्स में से कौन सी कार अच्छी लगी। चलो मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है नील, अमित, सात्विक, ओजस, यशान, जगन, रोशनी, इमरान, सुकमान, मुंतशिर। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।